हेलो व्यूअर्स, मैं हूं रोहित। मैं आज आपके लिए एक डिस्कशन मल्टीपल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो किसके ऊपर है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रेलवे सेकंड स्टेज सीबीटी में, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन एग्जाम में, और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्जाम में भी आएगा। मेरा मानना है कि तो डिस्कशन करने से याद ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। दोस्तों, अभी आप मुझे ऑन एकेडमी में फॉलो कर सकते हो। ऑन एकेडमी एक लर्निंग ऐप होता है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए मुझे, तपन घड़ई सर्च कीजिए, और जहाँ पे मैं आपको रेलवे एसएससी के रिलेटेड आपको तैयारी का वीडियो बनाता हूँ। आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, जहाँ पे आपकी जो भी इशू है मैं मैसेज के जरिए मैं आपको कमेंट में आपको बता सकता हूँ। तो आप मुझे जाके ऑन अकेडमी में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पहले आता है स्टील रूल। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है स्टील रूल। स्टील रूल इज ए क्या है, स्टील रूल क्या है वो पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट या डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आंसर होगा डी, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज डिटरमाइंड व्हाइल मेजरिंग ए कंपोनेंट। वो कह रहा है एक कंपोनेंट जब हम मेजर करते हैं क्या ध्यान में रखना पड़ता है, नॉमिनल साइज या एक्चुअल साइज या स्पेसिफाइड साइज या स्केल साइज। एक्चुअल साइज हम ध्यान में रख के एक कंपोनेंट को मेजर करते हैं। आंसर होगा बी, स्टील रूल इज मेड ऑफ, ये आपको पता होगा स्टेनलेस स्टील में बना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ ए सरफेस। वो कह रहा है एक कंपोनेंट का हम फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस किस इंस्ट्रूमेंट से हम चेक करेंगे। वर्नियर हाइट गेज से तो चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम मार्किंग करते हैं, स्लिप गेज में चेक करते हैं स्लॉट वगैरह, बीबल गेज में एंगल देखते हैं, और ट्राई स्क्वायर एक ही चीज़ है जो फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस दोनों में मेजर कर सकता है, चेक कर सकता है। चार नंबर का आंसर होगा ए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट रीडिंग ले नहीं पाएगा, डायरेक्ट मेजर कर नहीं पाएगा, जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, एक कंपोनेंट का साइज 5 mm है, वर्नियर से नाप देंगे तो वो हो जाएगा 5 mm, दिखा देगा रीडिंग। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, वो कितना डिग्री एंगल है वो बता देगा। इनसाइड माइक्रोमीटर, वो डायरेक्ट रीडिंग दे देगा, लेकिन एक चीज़ इनसाइड कैलिपर जो है वो डायरेक्ट मेजर कर नहीं पाएंगे हम, उसको इनडायरेक्ट मेजर करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि स्टील रूल में 5 mm मेजर ले लेंगे, उसके बाद कंपोनेंट को मेजर करेंगे, अगर 5 mm होगा तो सही है, नहीं तो नहीं। पांच नंबर का आंसर होगा इनसाइड कैलिपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छः नंबर, द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एच फॉर SI यूनिट इज, ये तो आपको पता होगा मीटर है, बेस यूनिट है लेंथ का। व्हिच इज नॉट द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का यूज इनमें से कौन सा नहीं है। मेजरिंग राइट एंगल, चेकिंग स्क्वायरनेसनेस, मार्किंग स्ट्रेट लाइन एट 90 degrees अगेंस्ट एन एस, सेटिंग वर्कपीस एट 90 degrees। ऑप्शन ए को देख लीजिए, मेजरिंग राइट एंगल। ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो मेजर कर नहीं पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डाउट में कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, तो मेजरिंग राइट एंगल को मान लेते हैं कि वो ट्राई स्क्वायर का एक काम है, लेकिन जबकि मेजर नहीं कर पाता है। ट्राई स्क्वायर चेकिंग करेगा, स्क्वायरनेस चेकिंग करेगा, मार्किंग कर लेगा 90 degrees अगर एज में, सेटिंग वर्कपीस भी 90 degrees में सेट कर देगा, एक काम नहीं कर पाएगा, मेजरिंग कर नहीं पाएगा। आंसर होगा 7 नंबर का ए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट मेजरिंग टूल। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कशन किए थे, क्या किए थे, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल कौन सा है, अभी डायरेक्ट मेजरिंग टूल आ गया। डायरेक्ट मतलब ट्राई स्क्वायर तो नहीं होगा, ये एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है, स्टील रूल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रेट एज एक चेकिंग है, रिंग एज एक चेकिंग है, तो आंसर होगा स्टील रूल, वो डायरेक्ट मेजर कर देगा।
मान लीजिए कंपोनेंट का साइज है 5 mm, वो स्टील रूल से नापेंगे तो डायरेक्ट 5 mm ही वो दिखा देगा, इसलिए उसको डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, 9 नंबर, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ ए स्टील रूल इज, वो कह रहा है स्टील रूल का मिनिमम मेजरमेंट कितने साइज मतलब कितने mm से ले सकते हैं, इसका घुमा फिरा के वो बोल रहा है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है स्टील रूल का, 0.01 mm हो गया माइक्रोमीटर का, 0.02 हो गया वर्नियर कैलिपर का, 0.05 किसी और का होगा पता नहीं मुझे, 0.5 mm हो गया स्टील रूल का लिस्ट काउंट, और मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर रीड। ओके, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक ऑफ एन एंगल ऑफ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। आंसर होगा 90 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रेटनेस चेक करता है, 90 डिग्री है। फ्रेंड्स, आज मैं 10 क्वेश्चन लेके आया था आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, ये मेरा पहला डिस्कशन है आपके साथ। अगर मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, एक नया टास्क देता हूँ, ये जो आपके सामने एक दो इमेज है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए दोनों इमेज का नाम क्या है, दोनों इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इन दोनों का नाम क्या है। और दोस्तों, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरा डिस्कशन आज आपके साथ कैसा रहा, और ऐसे अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके साथ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जीएस, जनरल नॉलेज में बहुत सारी डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप मुझे साथ दें तो मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।